आज मैं आप लोगों को विभिन्न कम्पिटेटिव एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से जीके, जीएस, करेंट, साइंस और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और इसमें जो है कि आप लोगों को सभी विषयों के मुख्य मुख्य प्रश्न होंगे जो लगभग 400 के आसपास होंगे। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आने की संभावना है और कुछ आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 25 मई 2023 को सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प है प्रवीण सूद, विकल्प ए प्रवीण सूद। प्रवीण सूद कौन है? ये कर्नाटक के पूर्व डीजीपी हैं और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का है। अगला क्वेश्चन, हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अप्रैल 2023 में भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑपरेशन कावेरी, विकल्प डी ऑपरेशन कावेरी। अगला प्रश्न है, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है अकबर। कब किया था? 1564 ईस्वी में अकबर ने जो है जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लाहौर अधिवेशन में। ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। अगला प्रश्न है, भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी किसके द्वारा शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड कार्नवालिस, विकल्प डी लॉर्ड कार्नवालिस। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2002 में। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो नीली क्रांति का उत्पादन मत्स्य पालन से है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आईसीसी 2022 ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बाबर आजम। किस देश का है? तो पाकिस्तान का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 15वां भाग पार्ट 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी निर्वाचन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए आपराधिक प्रक्रिया संहिता। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार का प्रभाव पूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सेबी के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है कि किससे है? मत्स्य पालन से संबंधित है, विकल्प ए मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? सीपीयू, विकल्प सी सीपीयू होता है। अगला प्रश्न है, नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है या मान कितना होता है? पीएच का मान कितना होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 7 से कम। यानी नींबू क्या होता है? खट्टा होता है और नींबू में जो है कि अम्लीय होता है, तो अम्ल का
क्या होता है, पीएच मान 7 से कम होता है, 7 उदासीन होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। तो नींबू क्या होता है, अम्ल होता है, तो इसका मान पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिक्टर स्केल से मापी जाती है, विकल्प बी सही है, रिक्टर स्केल। अगला प्रश्न है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है, किसके कारण से हो जाता है, लैक्टिक एसिड के कारण, विकल्प सी लैक्टिक एसिड के कारण। वायुमंडल की निचली परत को कहते हैं, वायुमंडल की निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, कौन सा मंडल कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह नगर जहां पवित्र गंगा यमुना तथा सरस्वती नदियों का संगम होता है, यह जो है कि प्रयागराज है, जो पुराना नाम इलाहाबाद है, प्रयागराज। इस प्रश्न का विकल्प सी प्रयागराज। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है, सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, गेहूं उत्पादक अधिकतम राज्य कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, विकल्प डी सही है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है, इस राज्य का नाम क्या है, यह राज्य है सिक्किम, सिक्किम राज्य है, विकल्प ए सिक्किम, विकल्प ए सिक्किम। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, फूलों की घाटी में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, फूलों की घाटी में। श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है, श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी ये आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, उज्जैन स्थित है, उज्जैन किस नदी पर स्थित है, इस प्रश्न का सही उत्तर है उज्जैन, उज्जैन छिपरा नदी पर स्थित है, विकल्प सी सही है, छिपरा नदी, छिपरा नदी, विकल्प सी छिपरा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी, आनंद मठ उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई थी, बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा किया गया था, इस उपन्यास का जो है कि रचना बंकिम चंद चटर्जी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, यह प्रश्न का सही उत्तर है, विकल्प सी केरल, विकल्प सी केरल। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन को किस नाम से जाना जाता है, सच्चिदानंद बादशायन को किस नाम से जाना जाता है, इस प्रश्न का सही विकल्प है डी अज्ञे, डी अज्ञे। पंचशील किन दो देशों के बीच समझौता है, पंचशील किन दो देशों के बीच समझौता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारत और चीन, भारत और चीन। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गीत के लेखक कौन है, मोहम्मद इकबाल, प्रश्न का बी विकल्प सही है, मोहम्मद इकबाल। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जुलाई 2022 में कौन सा ओपन खिताब जीता था, कौन सा ओपन खिताब जीता था, सिंगापुर ओपन खिताब जीता था, कौन सा, सिंगापुर ओपन खिताब। भारत के योजना आयोग को किस सन में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, किस सन में किया गया था, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2015 में, जनवरी 2015 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, विकल्प डी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, भारत में ताड़ नारियल केवड़ा अंगारे आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है मैनग्रोव, जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं मैनग्रोव, विकल्प सी मैनग्रोव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था, कौन वास्तुकार थे, इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये पूर्व भारत के राष्ट्रपति थे और इन्हीं को जो है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार माना जाता है। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एडीज मच्छर, एडीज मच्छर। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, इस प्रश्न का सही विकल्प है बी कॉसमॉस, कॉसमॉस। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है, नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है, इस प्रश्न का सही उत्तर है नेल्सन मंडेला, विकल्प ए नेल्सन मंडेला।
भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2010। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा मासिक भत्ता वितरण पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अनाउंस का शुभारंभ जून 2022 में किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी रक्षा मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पारसनाथ। अगला प्रश्न है सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आर वेंकट रमणी। अगला प्रश्न है 2022 के 36वें भारतीय राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पूजा पटेल। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी डल झील। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी भारत। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पुणे। पुणे में स्थित है। श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हिंदुस्तान गायन संगीत से। अगला प्रश्न है भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1961। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। मौर्य साम्राज्य काल के कुछ समय पूर्व लगभग कितने वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का जो है निर्माण शुरू कर दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2400 वर्ष। निम्नलिखित में से किसे 2022 में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? विल स्मिथ। अगला प्रश्न है 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया का कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नाम मात्र GDP द्वारा मापा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई है। केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार हर घर नल से जल योजना के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को समाविष्ट करने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 60,000 करोड़। विकल्प डी 28 अप्रैल 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी के से अंत्योदय तक शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गिरिराज सिंह। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी टी राजा कुमार। हाल ही में मई में भारत ने किसके साथ वन लैंडस्केप बहाली के आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जर्मनी। बिम स्टेक का गठन किस तारीख को हुआ था? 6 जून 1997 को। चक्रवात असनी हाल ही में खबरों में रहा था। असनी नाम किस देश द्वारा दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी श्रीलंका।
मुद्रा विनिमय दर प्रणाली जिसमें विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा विनिमय दर निर्धारित की जाती है। विकल्प सी लचीली विनिमय दर, विकल्प सी लचीली विनिमय दर। अगला प्रश्न है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नंदमूल चंदानी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है। कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है, 4 मई को मनाया जाता है, विकल्प बी 4 मई। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया, पहला पर्यावरण विश्व दिवस कब मनाया गया, विकल्प बी 1972, विकल्प बी 1972। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने संचालन और सुरक्षा से संबंधित दूरसंचार सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सी डॉट। अगला प्रश्न है, RBI अधिनियम 1934 का कौन सा भाग संविधान और मौद्रिक नीति समिति के अधिकारों से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 45ZB। जून 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान विकल्प बी। अगला प्रश्न, हाल ही में पूरा बिल्बरम प्रसिद्ध पूरम उत्सव की शुरुआत का अनुष्ठान किस राज्य में आयोजित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केरल। निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उसने कहा था। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है कौशल्या देवी बेसननी की, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंडे के छिलके, विकल्प सी। भारतीय संविधान के में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार विकल्प ए। चालू खाते में लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीयता किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1994। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की राजनीतिक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अशोक मेहता। किस ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। इस प्रश्न का विकल्प ए हेगेल सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 18। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है, विकल्प बी लास्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सिंगरौली कोयला खदान मध्य प्रदेश में स्थित है। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब गंगा बेसिन का भाग नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है आइवर जेनिंग्स। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में बनाच्छादित क्षेत्र वित्तीय न्यूनतम है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पंजाब। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवैध
किस स्थल से मिले हैं, किस स्थल से मिले हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है अर्कामेडु, विकल्प डी अर्कामेडु। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के, विकल्प सी। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई, इस प्रश्न का विकल्प सी सही है कायस्थ। अगला प्रश्न है 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का आकलन कितना रहा, इस प्रश्न का भी सही उत्तर है विकल्प सी 6.9%। हड़प्पा के निवासी किस देश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मेसोपोटामिया। सर, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल का सिद्धांत का समर्थक है, इस प्रश्न का ओपेनहाइमर, विकल्प सी ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का सबसे सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, विकल्प बी कर्नाटक। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगला प्रश्न है पेरे स्लोइका का क्या आशय था, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पुनर्निर्माण। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था, इस प्रश्न का सही उत्तर है याल्टा सम्मेलन विकल्प डी। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा गया है, इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी वायदा बाजार। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, हाजीपुर बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिक्षक कौन थे, इस प्रश्न का सही उत्तर है शेख फरीदुद्दीन। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मूल्य का माप। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, दोनों सदनों में निर्वाचित व मनोनीत सदस्य विकल्प बी। कौन सा वेद धार्मिक स्थानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सामवेद। मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, नाविक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुआ था, आज़ादी के पहले हुआ था, इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, एसेंट्रिक, विकल्प डी एसेंट्रिक। महिला आरक्षण बिल क्या है, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए लाया गया बिल महिला आरक्षण बिल कहलाता है। महिला आरक्षण बिल का क्या नाम है, महिला आरक्षण बिल का नाम है जो है कि नारी शक्ति बंधन, विकल्प सी नारी शक्ति बंधन। अगला प्रश्न है महिला आरक्षण बिल पहली बार कब लाया गया, महिला आरक्षण बिल पहली बार कब लाया गया था, 1996 में। अगला प्रश्न है महिला आरक्षण बिल पहली बार किसकी सरकार में लाया गया, यह प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी एच डी देवगौड़ा। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नारी शक्ति बंधन अधिनियम। अगला प्रश्न है नारी शक्ति बंधन अधिनियम किसके द्वारा पेश किया गया, इस प्रश्न का उत्तर सही है अर्जुन राम मेघवाल। अगला प्रश्न है नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस सरकार द्वारा लाया गया, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका जो है कि NDA। नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस सदन में लाया गया, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2023। नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल किस सभा में पेश किया गया, इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा में, विकल्प बी लोकसभा में। नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस तारीख को पेश किया गया, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 19 सितंबर, विकल्प सी। नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस तारीख को पास हुआ, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 20 सितंबर 2023। महिला आरक्षण बिल
2023 के पक्ष में कितने वोट पड़े। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 454। अगला प्रश्न है महिला आरक्षण बिल 2023 के विपक्ष में कितने वोट पड़े। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2। महिला आरक्षण संविधान संशोधन का कौन सा नंबर का बिल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 128। अगला प्रश्न है महिला आरक्षण बिल में महिलाओं के लिए कहां पर सीटें आरक्षित होंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा और विधानसभा, विकल्प बी लोकसभा और विधानसभा। महिला आरक्षण बिल में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी, कितनी सीटें आरक्षित होंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1/3। महिला आरक्षण बिल के अंतर्गत महिलाओं को कहां आरक्षण नहीं मिलेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यसभा और विधान परिषद, विकल्प ए राज्यसभा और विधान परिषद। अगला प्रश्न है महिला आरक्षण बिल में किस जाति व जनजाति की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST को मिलेगा, विकल्प सी सही है। महिला आरक्षण बिल कब लागू होगा, महिला आरक्षण बिल कब लागू होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2021 की जनगणना व परिसीमन के बाद, विकल्प डी। पहला देशव्यापी परिसीमन कब हुआ था, पहला देशव्यापी परिसीमन 2002 में हुआ था, विकल्प बी सही है। पहला देशव्यापी परिसीमन कब लागू हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2008, विकल्प ए 2008। महिला आरक्षण बिल किसके द्वारा लाया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, केंद्र सरकार के। महिला आरक्षण बिल की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को कितने प्रतिशत विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कम से कम 50 प्रतिशत। महिला आरक्षण बिल की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को कितने राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 14 राज्यों की। पास होने के बाद महिला आरक्षण कितने वर्षों के लिए वैध होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 15 वर्षों के लिए। अब तक कितनी बार परिसीमन हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 4 बार। महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 4। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, विकल्प ए सही है। 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 78। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1/3। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 33%। G20 की स्थापना कब हुई थी, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। G20 की स्थापना किस लिए की गई थी। G20 की स्थापना किस लिए की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है वित्तीय संकट से निपटने के लिए। जी ट्वेंटी में कितने देश शामिल हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 19 देश और यूरोपियन यूनियन, विकल्प सी 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल है। यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष कौन है, यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष उर्सला वान है, विकल्प बी उर्सला वान है। अगला प्रश्न है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, विकल्प सी ब्रुसेल्स बेल्जियम। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है, विकल्प बी यूरो। यूरो को कितने देशों ने अपना लिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 20 देशों ने। यूरोपीय यूनियन में कितने देश शामिल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 27।
G20 की पहली बैठक कहाँ हुई थी? G20 की पहली बैठक वाशिंगटन DC में हुई थी, विकल्प सी वाशिंगटन DC में हुई थी, विकल्प सी G20 की पहली बैठक वाशिंगटन DC। G20 के का पहले क्या नाम था? G20 का पहले क्या नाम था? G7 था, विकल्प सी विकल्प बी G7। G7 का आठवां देश कौन बना? G20 का आठवां देश कौन बना? रूस या रसिया बना। अगला प्रश्न, G20 2022 का होस्ट कौन था? 2022 का होस्ट कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी इंडोनेशिया, विकल्प सी इंडोनेशिया। G20 2022 की बैठक कौन सी बैठक थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 17वां। G20 2023 का होस्ट कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारत। G20 2023 की बैठक कौन सी बैठक थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 18वां, विकल्प ए 18। भारत G20 का अध्यक्ष कब तक है? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, विकल्प ए सही है। भारत में G20 की बैठक किस तारीख को हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 9-10 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न है, भारत में G20 की बैठक कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए दिल्ली। दिल्ली में G20 की बैठक कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्रगति मैदान। दिल्ली में G20 की बैठक जिस कन्वेंशन केंद्र में हुई थी उसका क्या नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत मंडपम, विकल्प बी भारत मंडपम। अगला प्रश्न है, G20 2024 की बैठक कहाँ होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ब्राज़ील, विकल्प बी। वर्तमान में ट्रोइका में कौन से देश शामिल है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील, विकल्प ए सही है। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय क्या है? विकल्प बी वसुधैव कुटुंबकम, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ रखा गया है? इस प्रश्न का सही अर्थ रखा गया है विकल्प ए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, G20 की थीम में किन रंगों का इस्तेमाल किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केसरिया सफ़ेद हरा नीला, विकल्प ए केसरिया सफ़ेद हरा नीला। अगला प्रश्न है, वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाउपनिषद, विकल्प बी महाउपनिषद। अगला प्रश्न है, G20 की बैठक में कौन कौन से देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन और रूस, विकल्प बी चीन और रूस। भारत की G20 की बैठक में कितने देश आमंत्रित थे? विकल्प सी 9। भारत में G20 की अध्यक्षता में किस नए देश को शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अफ्रीकन यूनियन। अगला प्रश्न है, G20 में कितने मुद्दे थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 73। अगला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? वाल्टर रोजन, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए निर्जलीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लिथियम। टमाटर का लाल रंग होता है किसके द्वारा होता है? ये विकल्प सी लाइकोपीन के कारण होता है। हीरा और ग्रेफाइट है कार्बन के अपरूप, विकल्प ए। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुबेरीन, विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर पीएच नहीं देती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कॉपर। अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रावर्तक क्या है? रजत यानी सिल्वर है जो है कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रावर्तक है।
अगला प्रश्न है, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है, इस प्रश्न का जो है कि सही उत्तर है गैसीय अमोनिया, विकल्प ए गैसीय अमोनिया। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, ये दूरी मापने का काम क्या करता है। अगला प्रश्न है, पारेषक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, इस ये भी दूरी या लंबाई का मात्रक है, ये बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रक्रम को नियंत्रित करता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पुतली। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है या मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 206। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है हीमेटोजाइलिन, विकल्प बी हीमेटोजाइलिन। अगला प्रश्न है, प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नागफनी। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, इस प्रश्न का सही उत्तर है मैक लेलैंड ने, विकल्प ए। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सैमुअल। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि 78 का सी हो गया, और बुद्धि त्रिआयामी सिद्धांत जो है कि गिलफोर्ड। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर है, हिसार कहाँ है, हरियाणा में है। 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई, इस प्रश्न का सही उत्तर है राव तुला राम, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है, विकल्प सी अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, विकल्प सी मछली घर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव कीजिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हवा लहरें एवं सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विघटनीय बहुलक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है सेलुलोज, विकल्प डी। निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषण का सबसे उत्तम सूचक कौन सा है, इस प्रश्न का सही उत्तर है लाइकेन, विकल्प सी। हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी फास्फोरस। जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे अधिक झुकाव या मुड़ने वाला या फैलाव किसका होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जो है कि सबसे कम पूछ रहा है सबसे कम झुकाव किसका होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लाल। अगर सबसे अधिक पूछता तो बैगनी होता, और सबसे कम जो है कि झुकाव किसका होता है, लाल का होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल के किन क्षेत्रों में ऑक्सीजन एवं ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी क्षोभ मंडल समताप मंडल में होता है। अगला प्रश्न है, जल जनित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, हेपेटाइटिस, विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हिंद महासागर। कांटेदार पत्तियां किस प्रकार के पौधों का अभिलाक्षणिक गुण है, मरुस्थलीय, विकल्प डी मरुस्थलीय। टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, विकल्प सी
विकल्प बी आंवला में, विकल्प बी आंवला। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्न के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जड़त्व का सिद्धांत, विकल्प ए जड़त्व का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 1665 में जिस जीव विज्ञानी ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की थी वह है कौन है, रॉबर्ट हुक, विकल्प ए रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है, ये प्रश्न का उत्तर विकल्प डी सही है, हैदराबाद, विकल्प डी हैदराबाद। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, विकल्प डी सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है। अगला प्रश्न है एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चार, विकल्प डी चार। ग्रैंड स्लैम का संबंध किस खेल से है, विकल्प ए टेनिस से, विकल्प ए टेनिस से। सबसे पहले किस ग्रैंड स्लैम की शुरुआत हुई है, सबसे पहले किस ग्रैंड स्लैम की शुरुआत हुई है, इस प्रश्न का सही उत्तर है डिम्बल्डन ओपन, विकल्प ए। वर्ष की शुरुआत में किस ग्रैंड स्लैम से होती है, किस ग्रैंड स्लैम से होती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन से, विकल्प ए ऑस्ट्रेलियन ओपन से। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, किसने जीता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है नोवाक जोकोविच, विकल्प बी ये कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता, महिला एकल का खिताब किसने जीता, अरीना सबालेंका, विकल्प ए अरीना सबालेंका। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता, इस प्रश्न का सही उत्तर है जेसन कुबलर और रिकी हिजी काटा, विकल्प ए जेसन कुबलर और रिकी हिजी काटा। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला युगल का खिताब किसने जीता, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटेरीना सिनियाकोवा, विकल्प ए सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिक्स डबल का खिताब किसने जीता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ईगा स्वीटेक, विकल्प सी ईगा स्वीटेक, विकल्प सी सही है। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, इस प्रश्न का सही है इवान डोडिक ऑस्टिन क्राजिसेक, विकल्प ए इवान डोडिक ऑस्टिन क्राजिसेक, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2023 महिला युगल का खिताब किसने जीता है, वांग सिंपू सी सी बेई, विकल्प ए वांग सिंजू और सी सी बेई। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन मिक्स डबल खिताब 2023 का किसने जीता, इस प्रश्न का है मियू काटो टीम पुएतजर, टीम पुएतजर, विकल्प ए सही है। डिम्बल्डन ओपन 2023 एकल का खिताब किसने जीता, इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्लोस अल्काराज, विकल्प सी कार्लोस अल्काराज। अगला प्रश्न है डिम्बल्डन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता, इस प्रश्न का सही है मार्केटा बोंड्रोसोवा, विकल्प बी मार्केटा बोंड्रोसोवा। अगला प्रश्न है डिम्बल्डन ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता, इस प्रश्न का सही उत्तर है नील स्कूपस्की और वेस्ले कुलहोफ, विकल्प ए सही है, विकल्प ए। डिम्बल्डन ओपन 2023 महिला युगल का खिताब किसने जीता, इस प्रश्न का सही उत्तर है एलिस मर्टेंस स्टार्म सैंडर्स, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है डिम्बल्डन ओपन 2023 मिक्स डबल का खिताब किसने जीता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है मेट पाविक और लिव डिमला कीचेनोक, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है यूएस ओपन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, यूएस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूयॉर्क, विकल्प बी न्यूयॉर्क।
US ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच US ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कोको गाफ, विकल्प बी कोको गाफ। अगला प्रश्न है US ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजीव राम जो सैलिसबरी, विकल्प बी राजीव राम जो सैलिसबरी। US ओपन 2023 महिला युगल का खिताब किसने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है एरिन राउटलिफ और गैब्रियला डाब्रोलस्की, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है US ओपन 2023 मिक्स डबल का खिताब किसने जीता? इस प्रश्न का है अन्ना डेनी लीना हैरी हेली ओबारा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है अब तक का सबसे ज़्यादा पुरुष एकल में 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नोवाक जोकोविच, विकल्प बी नोवाक जोकोविच, विकल्प बी। 2023 में एशियन गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है हांगझोऊ चीन, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कब से कब तक होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, विकल्प बी 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होगा। 19वें एशियन गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कांग कोंग लियान लियान और चेन चेन, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है एशियन गेम्स के तीसरे संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जिनपिंग। एशियन गेम्स 2023 उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहन, विकल्प बी। हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहन, विकल्प। एशियन गेम्स 2023 में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है पुरुष शूटिंग टीम 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया है, ये 244 का ए सही है। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी घुड़सवारी। अगला क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 में भारत की ओर से किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए क्रिकेट, विकल्प ए। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गोल्ड मेडल। हु विल द वर्ल्ड एशियन गेम्स 2026 बी ऑर्गेनाइज, यानी 2026 का एशियन गेम कौन देश ऑर्गेनाइज करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जापान। अगला प्रश्न है 18वें एशियन गेम्स 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सत्तर। 18वें एशियन गेम्स 2018 में पदक जीतने में भारत का कौन सा स्थान था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 8वां स्थान था। एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1951, विकल्प बी 1951। एशियन गेम 1951 कहाँ आयोजित हुआ था? भारत में हुआ था, विकल्प ए भारत। 1951 में भारत में एशियाई खेल कहाँ हुए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली, विकल्प बी नई दिल्ली। एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 4 वर्षों में। एशियाई खेलों में कितनी प्रतियोगिताएं होंगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 61। एशियाई खेलों की परेड में कितने देशों ने भाग लिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी
45 देशों ने एशियाई खेलों की परेड में भाग लेने वाला प्रथम देश कौन था? प्रथम देश कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अफगानिस्तान, विकल्प ए अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों की परेड में भाग लेने वाला अंतिम देश कौन था? विकल्प बी चीन था, विकल्प बी चीन था। भारत में एशियन गेम्स कितनी बार हुए हैं? भारत में एशियन गेम्स कितनी बार हुए हैं? विकल्प बी दो बार हुए हैं। भारत में एशियन गेम्स कब हुए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1951 और 1982, विकल्प ए 1951 और 1982। भारत ने प्रथम एशियाई खेल में कितने पदक जीते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 51। 2023 से पहले भारत ने एशियाई खेलों में घुड़सवारी में गोल्ड जो है कि मेडल कब जीता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1982। अगला प्रश्न है 1982 में भारत ने एशियाई खेलों में घुड़सवारी में कितने गोल्ड मेडल जीते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2। वायुमंडल में तापमान वृद्धि का कारण है, वायुमंडल में तापमान में वृद्धि का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1965, विकल्प बी 1965। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरत, गुजरात में है और ये 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? ये प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय संसद, विकल्प ए भारतीय संसद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने, इनमें से किसने लिखी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प सी। विख्यात यात्री अल्बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। अंग्रेज़ों ने किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जहांगीर के काल में स्थापित किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर माइकल की हत्या इनमें से किसने किया था? विकल्प ए उधम सिंह, विकल्प ए उधम सिंह। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? उत्तर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से। अगला प्रश्न है सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2 वर्षों के लिए। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यह किया गया था 1878 में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन 1878 में। परम कामरूप क्या है? परम कामरूप क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है, विकल्प बी सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके ये वायरस है, विकल्प ए सही है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 26। इनपुट डिवाइसेज का उदाहरण है, इनपुट डिवाइसेज का उदाहरण है माउस भी है, जैप स्टिक है, ट्रैक बाल भी है, उपयुक्त सभी विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विंडोज, विकल्प डी विंडोज नहीं है। सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए CEO बने हैं VVR सुब्रमण्यम, विकल्प ए VVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है 15-17 फरवरी 2023 को 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए फिजी में, विकल्प ए फिजी में। मगध
का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बिंबिसार। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? उत्तर ऋग्वेद, विकल्प ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पंचायती राज से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बलवंत राय मेहता। समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किन के अंतर्गत दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से कौन सा जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रयुक्त स्थल है, हॉट स्पॉट है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सुंदरबन। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन का विषय है, आर्थिक नियोजन का विषय क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची एक राडार जो दुश्मन के जहाज की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पराध्वनि तरंगे के आधार पर करता है, पता लगाता है। अगला प्रश्न है ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि उत्तर जो है कि ये क्या हो जाएगा जो है कि विकल्प डी सभी से, विकल्प डी सभी से। अगला प्रश्न है धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न धावन सोडा है, धावन सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, धावन सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए, विकल्प सी सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए। उच्च पौष्टिक मान वाले प्रोटीन का सस्ता स्रोत है, उच्च पौष्टिक मान वाले सस्ता स्रोत क्या है? सोयाबीन, विकल्प बी सोयाबीन। स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का एक नारा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी फ्रांसीसी क्रांति। घूमर किस प्रांत का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राजस्थान। आर्य समाज किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती, विकल्प सी सही है। लोक कल्याण मार्ग दिल्ली किसका निवास है? लोक कल्याण मार्ग किसका निवास है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्रधानमंत्री का। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मुजफ्फरपुर बिहार। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जापान। भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूप स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राजसमंद में, विकल्प सी राजसमंद में। अगला प्रश्न है आत्मसमर्पण करते समय शत्रु निम्नलिखित रंग के झंडे का उपयोग करता है? विकल्प सी सफ़ेद झंडे का। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कोठारी आयोग कब बना था? कोठारी आयोग 1964 से 1966 के बीच बना था। अनुच्छेद 21 का संबंध है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से, विकल्प ए सही है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्राचीन शिक्षण संस्थान है? बिहार का प्राचीन शिक्षण संस्थान कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय भी है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, दोनों प्राचीन काल के हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी ए व बी दोनों। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी निरंजना नदी के तट पर हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? बिहार में गया में हुआ था। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कन्नौज। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए, प्रथम कार्यकर्ता का नाम कौन थे? हसरत मोहानी, विकल्प डी हसरत मोहानी।
हसरत मोहानी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब? 1939 में। विकल्प बी सही है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, विकल्प ए कवरत्ती है। और अगला प्रश्न है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। फेफड़े के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेजन वर्षावन, विकल्प सी अमेजन वर्षावन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, विकल्प सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, विकल्प सी। अगला प्रश्न, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। संविधान, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अंबेडकर को माना जाता है। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी केटी शाह द्वारा कहा गया था। इस प्रश्न का उत्तर है केटी शाह। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि संविधान सभा के द्वारा, विकल्प बी संविधान सभा के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी या किसके आधार पर बनी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी थी। विधानसभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? विधानसभा ने, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एम एन राय, विकल्प डी एम एन राय। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ किसके समान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाईचारे के, विकल्प ए भाईचारे। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? विकल्प बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को किया था। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? विकल्प ए बी एन राव, बी एन राव। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 सदस्य थे, विकल्प बी 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, विकल्प डी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। हैदराबाद रियासत को किस सन में भारत संघ में मिलाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1948। ये किसके द्वारा मिलाया गया था? ये लौह मैन कहे जाने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी निर्वाचन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, एक संघ, एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना किया गया है? विकल्प ए आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से।
भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग या आम जनता, भारत के लोग या हम लोग अर्थात जनता, विकल्प डी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतंत्र, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, तो विकल्प डी संघीय फेडरल को जो है कि प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? ये प्रश्न जो है कि इसका उत्तर है विकल्प ए इंग्लैंड। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन 1976, विकल्प सी सही है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। या न्यायिक पुनरावलोकन पूछे तो भी अमेरिका से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ये प्रश्न जो है कि विकल्प ए इंग्लैंड की देन है, विकल्प ए इंग्लैंड की देन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आयरलैंड के संविधान से, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है, विकल्प ए राज्यों का संघ है। निम्न में से किस को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संविधान प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ब्रिटेन। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है विकल्प बी ब्रिटेन से। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है US यानी अमेरिका से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी भाईचारे से। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस से लिए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, विकल्प बी सही है। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से के संविधान से लिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कनाडा से। भारतीय संवैधानिक निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? फ्रांसीसी संविधान, विकल्प ए फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इस संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसको जो है कि संवैधानिक अधिकार दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? इस प्रश्न का सही है उत्तर है जीवित रहने का अधिकार, विकल्प डी जीवित रहने का अधिकार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित है? तो विकल्प बी 6 मौलिक अधिकार उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार
का प्रावधान किया गया है, समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया कब? 1 अप्रैल 2010 को, विकल्प बी 1 अप्रैल 2010। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के साथ भारत के संविधान का कौन सा भाग शामिल है? तो विकल्प सी भाग चार में जो है कि मूल कर्तव्य को लिया गया, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना किया है? तो मुंशी प्रेमचंद, विकल्प डी मुंशी प्रेमचंद। वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है वह कहलाता है रेपो दर कहलाता है, विकल्प बी रेपो दर कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तबला से जाकिर हुसैन, विकल्प ए जाकिर हुसैन। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर होती है, विकल्प डी 42.195 किलोमीटर होती है, किसकी? मैराथन की दौड़। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रीट जारी की जा सकती है? विकल्प ए 5 प्रकार की रीट दायर की जा सकती है, रीट की जा सकती है। अगला प्रश्न है, GE रासायनिक नाम की पहचान कीजिए, GE जर्मेनियम, विकल्प ए जर्मेनियम, विकल्प ए जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, विकल्प बी कैल्शियम कार्बोनेट। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारत, विकल्प सी भारत। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? लक्षित विकास दर क्या थी? 5.2, विकल्प सी 5.2। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र, सही उत्तर है महाराष्ट्र। साइखोम मीराबाई चानू एक है, क्या है? एक भारतोलक है, विकल्प बी भारतोलक है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विकल्प बी 35 वर्ष होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मेघालय। फरवरी 2023 की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के मुख्य कार्य अधिकारी कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? VVR सुब्रमण्यम, विकल्प सी VVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र या संगठन सूत्र क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है DTO, D2O, विकल्प सी D2O। अगला प्रश्न है, प्रतिबल की एसआई यूनिट क्या होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पास्कल होती है। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आभासी और सीधा, विकल्प बी आभासी और सीधा। एक बाइट बनता है 8 बीट से, एक बाइट बनता है 8 बीट से। अगला प्रश्न है, BCG टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? BCG टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? ये प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नवजात शिशु को लगाया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, विकल्प डी प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 21-22, विकल्प बी 21-22। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान कहलाता है? लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 कहलाता है,
विकल्प बी 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 बुद्ध का परिनिर्माण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भास्कराचार्य। भास्कराचार्य विकल्प सी सही है। भास्कराचार्य निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सामवेद। विकल्प डी सामवेद। भारतीय क्रांति की माँ की संज्ञा निम्नलिखित में से किसे दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मैडम भीकाजी कामा। विकल्प सी मैडम भीकाजी कामा। अगला प्रश्न है काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ताप्ती नदी। विकल्प डी ताप्ती। देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है म्यांमार और नायपिंडो। म्यांमार और नायपिंडो सही है, बाकी सब गलत है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर का नाम किस संगीत यंत्र से जुड़ा है? रविशंकर का नाम सितार वादक के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प सी सितार वादक। विकल्प सी सितार वादक। अगला है कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान से। विकल्प बी राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया लोक नृत्य किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राजस्थान से। लेग ब्रेक किस खेल से संबंधित है? लेग ब्रेक क्रिकेट से संबंधित है। विकल्प सी लेग ब्रेक क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? विकल्प बी सुंदरबन। विकल्प बी सुंदरबन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी श्री अरविंद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? जल जनित रोग कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इकोलाई। इकोलाई विकल्प सी इकोलाई। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली। विकल्प डी नई दिल्ली। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यूएसए अमेरिका। अगला प्रश्न है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हनुमान की 52 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? विकल्प सी गुजरात में किया है। कहां पर किया है? गुजरात में किया है। अगला प्रश्न है नागरी दुबराज किस राज्य के चावल की किस्म है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए छत्तीसगढ़। विकल्प ए छत्तीसगढ़। विश्व के सबसे अमीर नगरों में से किसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है? किसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है? विकल्प डी न्यूयॉर्क सिटी को। न्यूयॉर्क सिटी को। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी बॉक्सिंग से जुड़ी है? कौन से खिलाड़ी बॉक्सिंग से जुड़ी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन। संसद द्वारा 73वें और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1992। 1992 रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? रोशन कुमारी किसकी है? कथक। विकल्प बी कथक। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विकल्प बी सिक्किम। विकल्प बी सिक्किम। निम्नलिखित में से किसने पैरा तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हरविंदर सिंह। विकल्प बी हरविंदर सिंह। अगला प्रश्न है मेंडलिव की आवर्त सारणी के अनुसार
एक का एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गैलियम। विकल्प बी गैलियम। आशीष सांकृत्यायन किस संगीत के प्रतिनिधि करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्रुपद। विकल्प बी ध्रुपद। विकल्प बी ध्रुपद। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में कहां पर आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है नागपुर अधिवेशन 1920। निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक खाद्य फसल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चावल। विकल्प डी चावल। इस तरह से आज हमने आप लोगों को 400 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्न और इम्पॉर्टेंट है। पर हर परीक्षा की दृष्टि से अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।